इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम टेक्स्ट को मेटल लुक दे सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये टेक्स्ट मेटल की तरह दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम फाइल मेन्यू में जाके एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं और इस फाइल को आप कोई भी साइज दे दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने इसकी विड्थ और हाइट 500 पे सेट कर रखी है और क्रिएट बटन पे क्लिक करके इस प्रकार से एक नई फाइल बना लेते हैं। कंट्रोल 0 से हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब हम टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मेटल ही टाइप कर देते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू को हम थोड़ा इस प्रकार से साइज को बढ़ा देते हैं। इस टेक्स्ट को हम इस प्रकार से हम सेंटर में ले आते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को मेटल कलर देने के लिए ग्रे कलर से फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो लेयर पैनल दिखाई दे रहा है, इसके बॉटम में यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करके एक ब्लैंक लेयर बना लेते हैं। इस लेयर को हम एडिट मेन्यू में जाके फिल ऑप्शन चूज करके 50% ग्रे कलर से फिल कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। अब हम इस लेयर वन को इस मेटल टेक्स्ट लेयर से क्लिप कर देते हैं ताकि जो भी इफेक्ट या फिल्टर हम इस लेयर वन पे अप्लाई करें वो सिर्फ मेटल लेयर पे ही अप्लाई हो। तो इसके लिए हम इस लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करके इस प्रकार से हम इसको इसे क्लिप कर देते हैं। अब हम इसको नेचुरल मेटल लुक देने के लिए कुछ फिल्टर्स अप्लाई करते हैं इस पे। लेकिन फिल्टर्स अप्लाई करने से पहले हम इस लेयर को एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं ताकि हम फिल्टर्स या ये जो लेयर स्टाइल्स की वैल्यू है इसको हम कभी भी चेंज कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब हम फिल्टर मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे जो नॉइस है इस नॉइस को चूज करते हैं और ऐड नॉइस पे क्लिक करते हैं। ऐड नॉइस पे यहाँ पे आपको ये नॉइस की वैल्यू है इसको लगभग 18 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो मोनोक्रोमिक टिक ऑप्शन है ये ऑन रहना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो इस प्रकार से आपको कलर पिक्सल्स दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन मेटल में हमको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही पिक्सल चाहिए। ओके प्रेस करते हैं। अब हम इसको थोड़ा ब्रश पेंटेड लुक देते हैं। तो इसके लिए हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और ब्लर मेन्यू में मोशन ब्लर फिल्टर को चूज करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये जो डिस्टेंस वैल्यू 21 है इसको हम 16 सेट कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से ये टेक्स्ट थोड़ा मेटल की तरह दिखाई देने लग गया। अब चूंकि मेटल में रिफ्लेक्शन भी होता है तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लेयर स्टाइल ऑप्शन चूज करेंगे। तो इसके लिए हम ये जो लेयर वन है इस पर डबल क्लिक करते हैं और लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। यहाँ पे हमको ग्रेडियंट ओवरले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमको ये जो ब्लेंड मोड है इसको स्क्रीन पे सेट करना है और ये जो ग्रेडियंट है इसको हम ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करते हैं। और ये जो स्टाइल है इसको हम रिफ्लेक्टेड सेलेक्ट करते हैं और ये जो स्केल है इसका इसको हम थोड़ा इस प्रकार से कम कर लेते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके इस रिफ्लेक्शन को अप या डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन इस वक्त हो रहा है ये अप और डाउन हो रहा है, हमको इस टेक्स्ट के सेंटर में ये रिफ्लेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हम रिवर्स चेकबॉक्स को ऑन करते हैं और इस प्रकार से हम इस रिफ्लेक्शन को टेक्स्ट के सेंटर में ला सकते हैं। अब हम इसका स्केल थोड़ा कम कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इस स्केल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन का एंगल है इसको हम 115 डिग्री कर देते हैं।
स्केल थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ओपेसिटी हम इसकी 50% ही कर लेते हैं। अब हम एक बैकग्राउंड लेयर बना लेते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए हम इसी की एक कॉपी बना लेते हैं। ये जो लेयर वन है, इसको कंट्रोल जे बटन प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, और इसको ये जो मेटल वाला टेक्स्ट लेयर है इससे नीचे लाते हैं। और यहाँ पे इफेक्ट्स में हमको इस लेयर पे ये जो ग्रेडियंट है ये नहीं चाहिए, तो ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे हम ये जो आई दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करके ऑफ कर देते हैं। अब इस प्रकार से आपको ये थोड़ा मेटल की तरह टेक्स्ट दिखाई देने लग गया है। अब हम इस बैकग्राउंड को थोड़ा डिफरेंट लुक देते हैं, तो इसके लिए हम इलेप्टिकल मार्कर टूल सेलेक्ट करते हैं, एक रफ राउंड शेप ड्रा करते हैं और इसको हम थोड़ा सेंटर में लाते हैं। अब हम इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेते हैं, सेलेक्ट मेन्यू में जाते हैं, इन्वर्स पे क्लिक करते हैं और इस पे हम एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं। एडजस्टमेंट में हम इसकी कर्व्स वैल्यू को थोड़ा अप कर देते हैं। अब हम ये जो मेटल टेक्स्ट है इसकी एजेस को थोड़ा शार्प करते हैं, ताकि ये जो मेटल टेक्स्ट है ये बैकग्राउंड से डिफरेंट दिखाई दे सके। तो इसके लिए हम मेटल लेयर को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट वाले को, और डबल क्लिक करते हैं और फिर से लेयर स्टाइल को ओपन करते हैं। लेयर स्टाइल में हम बेवल एंड एम्बोस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो बेवल एंड एम्बोस ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन पे अलग अलग लुक दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम स्टाइल को इनर बेवल की बजाय आउटर बेवल पे सिलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से ये दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है ये आप अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं, और साइज को इस प्रकार से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो टेक्निक है, टेक्निक में चीजल हार्ड रखना है, क्योंकि मेटल के जो कॉर्नर्स है या एजेज है ये हार्ड दिखाई देने चाहिए। और यहाँ पे ये जो साइज है इसको आप कम ज़्यादा करके अलग अलग लुक ट्राई कर सकते हैं, डेप्थ यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, साइज यहाँ से। आउटर बेवल की बजाय अगर आप इनर बेवल पर सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से ये लुक दिखाई देगा, डेप्थ इस प्रकार से। सॉफ्ट वैल्यू को आप बिल्कुल कम रखेंगे तो इस प्रकार से इसकी एजेस हार्ड दिखाई देगी। एंगल आप यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हैं, पिलो एम्बॉस चूज करके आप इस प्रकार से लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इन ऑप्शंस पे ट्राई करेंगे तो अलग अलग प्रकार के लुक दे सकते हैं। तो मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो टेक्स्ट है ये मेटल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड लेयर हमने बनाया है इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।